फ्रेंड्स, द स्वादिष्ट किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ गाजर का टेस्टी एंड हेल्दी हलवा। गाजर का हलवा तो सबको पसंद होता है और अभी गाजर का सीजन भी है तो हम ज्यादा खाना पसंद करते हैं अभी के टाइम में। तो चलिए, गाजर का हलवा बनाने के लिए जो जो हमने सामग्री ली है वो हम बताते हैं। हमने 3 गाजर को कद्दूकस कर लिया है, आलमंड, काजू, नारियल और किशमिश, दूध, चीनी और घी, इतनी सामग्री मैंने रखी। हलवा बनाने के लिए मैंने गैस पे कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दिया है। कढ़ाई मेरी गर्म हो रही है, कढ़ाई मेरी गर्म हो चुकी है। अब मैं इसमें घी डालूंगी, घी 2 चम्मच डालूंगी, 2 बड़े चम्मच। मैंने घी को करका दिया है। अब मैं इसमें जो गाजर रखी थी उसे डाल दूंगी। गाजर को घी में डाल के इसे 5 मिनट तक फ्राई करना है। गाजर का हलवा फ्रेंड्स बहुत जल्दी बन जाता है, बहुत टेस्टी भी लगता है। आप एक बार अपने घर में जरूर बना के ट्राई करें। बनाने में ज्यादा मेहनत लगता ही नहीं है। इसे 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। इसे बिल्कुल पानी इसका सूखने तक इसे अच्छे से फ्राई करना है। 2 मिनट हो चुके हैं, मैं थोड़ी देर और फ्राई करूंगी इसे 2 मिनट और। फ्रेंड्स देखिए, हमारा गाजर बिल्कुल फ्राई हो चुका है। अब मैं इसमें 200 मिलीलीटर के करीब एक ग्लास मैंने दूध लिया था तो वो दूध डाल दूंगी। नारियल भी साथ में डाल दूंगी। किशमिश को मैं बाद में ऐड करूंगी, नहीं तो दूध फटने का चांस रहेगा। ये किशमिश को हलवा तैयार होने के बाद डालूंगी। ये किशमिश 1-2 आ चुके हैं, मैं इसे निकाल लेती हूँ, नहीं तो दूध फट जाएंगे कहीं। अब इसे मीडियम ने लो फ्लेम पे अच्छे से पकने दे और इसे सूखने दे। इसे ढक के 5 मिनट तक पका लेते हैं। मैं इसमें थोड़ा सा सौंफ भी डालूंगी और चीनी मैं अभी नहीं डालूंगी, चीनी इसके पकने के बाद डालूंगी। जब ये गाढ़ा हो जाएगा तब चीनी डालूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें हल्का सा गाढ़ापन आ चुका है। अब इस स्टेज पे मैं हलवे में, गाजर के हलवे में चीनी ऐड करूंगी। चीनी आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, आप जितना चीनी खाना पसंद करते हैं उतना चीनी ऐड कर सकते हैं। मैं 4 चम्मच चीनी ऐड कर रही हूँ। फ्रेंड्स इस स्टेज पे हम किशमिश भी ऐड कर देंगे। फ्रेंड्स देखिए, मैं चीनी इसलिए शुरू में ऐड नहीं की क्योंकि चीनी डालने के बाद भी थोड़ा सा गीलापन हो जाता है, इसलिए मैं चीनी बाद में ऐड की। अब इस पानी को, जो चीनी का पानी है, मैं उसे अच्छे से ड्राई करके ड्राई होने तक इसे पकाऊंगी। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने गाजर का हलवा जो पानी था इसमें मैंने उसे सुखा दिया है और इसका टेक्सचर इस टाइप का होना चाहिए। देखिए आप देख सकते हैं, तो इस टाइप का टेक्सचर जब हो जाए तो समझिए कि हमारा गाजर का हलवा बनके रेडी हो गया है। गैस को हम ऑफ कर देते हैं। मैं इसे एक बाउल में सर्व करके आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने इसे बाउल में निकाल लिया है। तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल खाने के लिए गाजर का हलवा रेडी हो चुका है। आज मैं आपके साथ गाजर का हलवा बनाने की रेसिपी शेयर की हूँ। तो फ्रेंड्स आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मेरे वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।